हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मर्चेंटाइजर का वर्क क्या होता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं वीडियो बना करके फुल्ली आपको मैं बताऊंगा कि एक एज अगर आप मर्चेंटाइजर काम करना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो मैं बैक कैमरे से आपको पूरा दिखाऊंगा। एक सेक्शन वाइज क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी से क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहें। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन होता है, फूड आइटम का सेक्शन होता है। आपको कंपनी से जब भेजा जाएगा एज ए मर्चेंटाइजर, तो ये पूरा जो है एक फूड सेक्शन है। उस फूड सेक्शन के अंदर आपको कहा जाएगा कि जो प्रोडक्ट है, लाइक ये किंडर का जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, किंडर कार्ड्स एंड जो ऊपर नूटेला वगैरह दिख रहा है, ये सेम कंपनी से आता है। तो ये सेम कंपनी का जो सेक्शन में जो डिस्प्ले होता है वो पूरा एक तरतीबवार होता है, यानी एक जगह पे होता है, सिमिलर जगह पे होता है, कुछ आइटम्स इधर और कुछ आइटम्स उधर, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आपसे कहा जाएगा एज ए अगर मर्चेंटाइजर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलेगी कि आपको एक्सपायरी डेट चेक करना होगा। नियर एक्सपायरी आइटम है तो आप उसको रिमूव करेंगे सेक्शन से और उसको स्टोर में ले जा करके दोबारा उसको जेआरबी करेंगे, यानी गुड्स को रिटर्न करेंगे, दोबारा कंपनी को भेजेंगे। आपकी जिम्मेदारी है नियर एक्सपायरी वाला आइटम निकालना। और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है एज ए मर्चेंटाइजर कि आपको डिस्प्ले करना है सामान, यानी कैसा डिस्प्ले खूबसूरत दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सामान जो सिमिलर सामान होता है पूरा एक जगह डिस्प्ले होता है, तो इस तरह से आपको डिस्प्ले करना है सेक्शन के अंदर। तो एज ए मर्चेंटाइजर आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप सारे सामान जब भी डिस्प्ले करें तो इस खूबसूरती के साथ करें, उसका लुकिंग जो है ब्यूटीफुल हो, कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। ये चीज़, ये जो एक स्किल्स है एज ए मर्चेंटाइजर आपके अंदर होना चाहिए कि कस्टमर आपके डिस्प्ले से अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मर्चेंटाइजर अगर आप काम कर रहे हैं तो। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए मर्चेंटाइजर के लिए। तो ये डिस्प्ले, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इधर, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इधर आपको दिख जाएंगे, ये सारे फूड आइटम का प्रोडक्ट्स है। तो एज ए मर्चेंटाइजर जो है फूड आइटम के अंदर ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अहम होती है कि आपको आपके कंपनी से ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। आप माल उठाएंगे नियर एक्सपायरी का और डिस्प्ले करेंगे, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एज ए मर्चेंटाइजर। दूसरा कोई काम नहीं होता है, दूसरा कोई काम दे तो वो समझो कि एक एडिशनल वर्क है आपके लिए, लेकिन ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मर्चेंटाइजर आती है। इसके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंटाइजर को नहीं दी जाती है, तो ये आपको समझना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों दो काम मैंने जो है सिंपली लैंग्वेज में आपको बता दिया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, दो काम के बाद तीसरा काम ये है कि जो प्रमोशंस होते हैं कंपनी के द्वारा, यानी कोई आइटम ऐसा होता है कि हम जो रेट पे हमें मिल रहा है, बाद में जब प्रमोशन में आता है तो रेट हाफ रेट पे दिया जाता है। मैं अपने जो भी हमारे कस्टमर हैं, जहाँ भी हम सामान को डिलीवर कर रहे हैं, तो उनको हम प्राइस बहुत हाफ करके देते हैं प्रमोशन आइटम। तो ये भी इन्फॉर्म करना एक मर्चेंटाइजर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर मर्चेंटाइजर ये वर्क नहीं करता है तो वो फुल्ली जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है एक मर्चेंटाइजर। और दूसरा चीज़ ये है कि शेल्फ में जो डिस्प्ले होता है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एक एज ए मर्चेंटाइजर को कि कैसा डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले हुआ नहीं हुआ। सामान जब आपकी कंपनी से निकलता है, यानी एज ए मर्चेंटाइजर अगर एक कंपनी में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो जब सामान आपकी कंपनी से निकलता है और सामान डिस्प्ले होने तक और नियर एक्सपायरी आने तक एक मर्चेंटाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कुछ भी होगा उसके दौरान, तो कंपनी, अगर आप एक कंपनी के अंदर एज ए मर्चेंटाइजर काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो है आपसे सवाल करती है, दूसरे बंदे से सवाल नहीं करती है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि अगर आप एक मर्चेंटाइजर के अंदर काम कर रहे हैं, तो जब से सामान इशू होता है आपकी कंपनी से और जहाँ जहाँ जिस मार्केट में जाता है और नियर एक्सपायरी तक और सामान सेल होने तक एक मर्चेंटाइजर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कंपनी में कोई भी बात होती है तो आप एक एज ए मर्चेंटाइजर आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर आपसे सवाल होता है कि आप मर्चेंटाइजर हैं, नियर एक्सपायरी आइटम है या डिस्प्ले सही नहीं है, ये एक मार्केट में दूसरा प्राइस है, दूसरे मार्केट में दूसरा प्राइस है, ये भी सवाल आपसे कंपनी करती है। तीसरा चीज़ ये कि डिस्प्ले आप कैसे करते हैं। चौथा चीज़, अगर सामान एक्सपायर हो जाता है और आप उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और वो माल ख़राब होता है, फिर भी आपको कंपनी आपको पकड़ती है, तो एज ए मर्चेंटाइजर ये सारा वर्क होता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर और भी कोई सवाल आपको पूछना है तो ज़रूर लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर भी बात किया जाएगा। ओके, बाय बाय।